दोस्तों आपके लिए काना धर वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें बताऊँ कि जो एक अच्छा खासा अभी निफ्टी ऊपर की तरफ गया है तो अभी क्रैश हो सकता है निफ्टी, या निफ्टी में अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। तो वीडियो बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। एक अच्छे खासे तरीके से बैंक निफ्टी और निफ्टी गया है तो यहाँ पे क्या करेक्शन देगा, कितने पॉइंट्स नीचे आ सकता है, किस तरह से अपन यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हैं, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। चलिए, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि इस तरह के और एनालिसिस की वीडियो में आपके लिए लाता रहूं। और अगर आप मेरे चैनल को आपके दोस्तों के साथ शेयर कर दें, सब्सक्राइबर बढ़ा देते हैं, मेरे को अच्छा खासा सपोर्ट करें, तो टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो या स्ट्रेटेजी की वीडियो मैं आपके लिए डालता रहूंगा। और किस पॉइंट किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, कि उसका टॉपिक पे मैं आपके लिए वीडियो बनाने के लिए मतलब कोशिश करूंगा। तो चलिए, यहाँ पे जो निफ्टी का चार्ट लगा है, और जैसे कि देख सकते हैं ऑल टाइम मतलब जो हाई था, जैसे कि पिछली बार यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ करके देखा था हॉरिजॉन्टल लाइन, तो जो 12,445 का एक हाई था तो उसके क्रॉस किया, और उसको क्रॉस करने के बाद एक अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर की तरफ दिया, जो कि अभी जो निफ्टी ने हाई लगाया जो कि 13,760 एक अच्छा खासा यहाँ पे ऊपर की तरफ। और जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे जो मार्केट मोमेंटम कर रहे हैं, एक वन ट्रेंड ट्रेंडिंग मार्केट है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कहाँ पे मतलब उसने सपोर्ट नहीं लिया, एक ट्रेंडिंग मार्केट है। तो यहाँ पे अब क्या होगा, यहाँ पे एक साइडवेज मार्केट देखने को मिल सकता है एक दो दिन, और उसके बाद में एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, मतलब क्या रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है। तो रिट्रेसमेंट किस अब देख सकते हैं यहाँ से एक ऐसे अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है, तो ऊपर की तरफ यहाँ एक रिट्रेस हो जाएगा, फिर अप आएगा, फिर रिट्रेस हो जाएगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ दिन वो वेट करेगा और नीचे की तरफ आएगा। तो नीचे की तरफ अगर आया तो कितना नीचे की तरफ आ सकता है, कौन से लेवल रहेंगे, ये किस तरह से आप निकल सकते हैं, इस वीडियो में यहाँ पे अभी देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं अच्छा खासा रेंज बना हुआ है, तो अभी मैं इसको हटा देता हूँ और देख सकते हैं। तो अगर निफ्टी को वीक होना है तो कहाँ पे वीक होना पड़ेगा निफ्टी को, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको पॉइंट टू पॉइंट सब समझ में आएगा किस तरह से मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा है और क्या कर रहा है। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मैं यहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन खींच के बता देता हूँ। तो ये लाइन यहाँ पे देख सकते हैं जो लेवल है, जैसे 13,500 का, एक अपने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ पे इसको रेड कलर में कर देता हूँ। ये इंपॉर्टेंट लेवल, जब इस लेवल के नीचे जाता है, इस नीचे के लेवल के नीचे क्लोजिंग देता है, तो अच्छा सा बिकवाली का प्रेशर देखने को मिल सकता है इस लोअर हाई के तब, जैसे 13,200 का लेवल तक या 13,100 के लेवल तक, यहाँ पे मैं इसको भी मार्क कर देता हूँ। तो ये वाला लेवल यहाँ पे देखने वाली, ये सिर्फ मैं आपको टेक्निकल के हिसाब से बता रहा हूँ, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे मैं टेक्निकल के हिसाब से बता रहा हूँ, उसके बाद में अपन उसके टूल यूज करेंगे, उसके हिसाब से देख लेंगे कहाँ पे टारगेट देखना, और उसके बाद में नीचे आएगा तो यहाँ पे एक सपोर्ट देख सकता है जो की 12,000 अराउंड 700 और 800 का जो लेवल है, इस लेवल को भी एक सपोर्ट ले सकता है जो कि 12,800 का एक लेवल है, 750 या 800 का लेवल है। तो इस तरह से, लेकिन अभी मार्केट क्या करेगा, मतलब निफ्टी क्या करेगा, यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, ऊपर नीचे करेगा, लेकिन जब ये ब्रेक करेगा तो नीचे की तरफ ये लेवल देखने को मिल सकता है, फिर से रिट्रेस करेगा, फिर से ब्रेक करेगा, फिर से रिट्रेस करेगा, फिर से यहाँ पे ब्रेक करेगा। तो लेवल कैसे फाइंड आउट किए और कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है यहाँ पे देखने वाले, जैसे कि देख सकते हैं बहुत कुछ दिनों में मार्केट गैप अप हो रहा है, गैप अप हो रहा है, ऊपर की तरफ सस्टेन कर रहा है, तो जो एक गैप है वो सब गैप यहाँ पे फिल कर सकता है मार्केट, अगर प्रॉफिट बुकिंग अच्छी तरीके से आया तो अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग अगर इन कुछ आने वाले दिनों में दिखेगा देखने मिलेगा, तो ये लेवल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे शॉर्टिंग साइड के लिए। लेकिन मैं अभी प्रेफरेंस कर रहा हूँ, जैसे कि देख सकते हैं निफ्टी का पीए रेशियो अभी 37 पे, तो अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आना मांगता है, तो ये लगता है मंडे के सेशन के बाद यहाँ से अच्छा खासा डाउन टूअर्ड यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो चलिए अपन ने लेवल किस तरह से निकाले एक बार देखते, यहाँ पे देख सकते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो ऑल टाइम हाई था, तो वहां से एक मेरे अभी ऑल टाइम हाई है, तो यहाँ तक यानी फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा है। और जैसे कि देख सकते हैं इसका जो 50% का जो रिट्रेसमेंट है, जैसे कि देख सकते हैं वाला लेवल 13,150 का यहाँ पे ही आ रहा है अपने जो लेवल लगाया था, और ये तो इस लेवल के आप अगर सपोर्ट करता है, यहाँ पे सपोर्ट लेता है इन फ्यूचर 13,000 के, तो यहाँ से एक बाउंस बैक देखने को मिलता है। लेकिन इस लेवल को अगर सपोर्ट नहीं करता, यहाँ पे सस्टेन नहीं होता, नीचे की तरफ जाता है, तो फर्स्ट टारगेट तो आपको देखने को मिला 12,800, और उसके बाद में 12,500 की लेवल भी देखने को मिल सकता है। तो ये लेवल देखिए किस तरह से यहाँ पे रिट्रेस हो रहा है, किस तरह से मार्केट यहाँ पे मोमेंटम कर रहा है, तो इन लेवल के साथ आप अच्छा खासा ट्रेड कर सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि मार्केट किस तरह से मोमेंटम कर रहा है, क्या है मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से आपने देखा कि कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है नीचे की तरफ, और कौन से लेवल सपोर्ट के लिए वर्क सकते हैं, किस तरह से वर्क कर सकते हैं। लेकिन अभी मार्केट एक ट्रेंडिंग हो चुका है, तो इसको फिबोनाची रिट्रेसमेंट को मैं आपसे हटा देता हूँ। देख सकते यहाँ से एक मार्केट अच्छा खासा अप मूव, अब एक साइडवेज हो जाएगा, यहाँ पे जोन बनेगा, जैसे कि अभी इसने एक जोन बनाया है,
जोन को मतलब साइडवाइज होने का, इसका ऊपर की तरफ ब्रेक किया तो ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन नीचे की तरफ ब्रेक किया तो नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ के लिए अब चांसेस बहुत कम है। जैसे कि जैसे निफ्टी प्रॉफिट रेशो भी बढ़ा है तो यहाँ से प्रॉफिट भी मांगना आने को मांगता है। जैसे कि 13,600-13,500 का लेवल है, इसको ब्रेक कर देगा तो अब मंथली पुट में अच्छा खासा वर्कर से जो जनवरी का मंथली पुट या दिसंबर का, एक अच्छा खासा यहाँ पे मार्केट देखने को मिल सकता है। क्योंकि मार्केट में देख सकते हैं बाइंग मूवमेंट में बहुत देखने को, जैसे कि आप FIs और DIs का डाटा देखे तो FIs नॉन स्टॉप बाइंग कर रहे हैं, तो अभी एक सिनारो चेंज हो सकता है, FIs सेलिंग के लिए जा सकते हैं और DIs बाइंग करेंगे। अगर एक दिन ऐसा आएगा दोनों ने अगर सेल किया तो अच्छा खासा बिकवाली का प्रेशर देख मार्केट में देखने को मिल सकता है। जैसे कि बैंक निफ्टी में 1,000 या 150 पॉइंट की रैली देखने को मिल सकती है और निफ्टी 300 या 200 पॉइंट की रैली देखने को मिल सकती है। तो वो कौन सा दिन रहेगा, किस तरह से यहाँ पे अपने एनालिसिस आले कुछ आने वाले कुछ दिनों में देखने को करने वाले हैं। तो यहाँ पे अपने निफ्टी ने निफ्टी का एनालिसिस किया, इसलिए भी बैंक निफ्टी भी चलते हैं। बैंक निफ्टी क्या देखने को मिल रहा है, किस तरह से यहाँ पे ट्रेड करने को देखने को मिल रहा है, यहाँ चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट लगा और जैसे कि देख सकते हैं बैंक निफ्टी थोड़ा वीक देखने को मिल रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी का जो ऑल टाइम हाई था उसको भी अपन मार्क करेंगे तो बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई था तो 32,600 के लेवल के यहाँ पे। और जैसे कि देख सकते हैं अभी उसने जो लेवल की तरफ क्लोजिंग थे, मतलब ये जो सपोर्ट निकल कर आ रहा था जो कि 30,700 का, जैसे देख सकते हैं पिछली बार मतलब कितनी बार इसने पे टेस्ट करा, मैं आपको दिखा दूंगा। देख सकते हैं ये वाला लेवल, उसके बाद में ये वाला लेवल, यहाँ पे भी उसने ये यहाँ पे रिस्पेक्ट किया। तो 30,700 का जो लेवल है एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, अभी उसी लेवल के हिसाब से वहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिल रहा है और उसी रिजेक्शन के हिसाब से अपन यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, जैसे कि मैंने आपको निफ्टी में बोला एक ट्रेंडिंग मार्केट हो चुका है, यहाँ पे एक साइडवेज मार्केट मिलने देखने को मिल सकता है। और ये जो रेंज है, जैसे कि कौन सी रेंज है यहाँ पे उसको मार्क करेंगे, यहाँ पे मैं ट्रेंड लाइन खींचूंगा। नीचे की तरफ जो रेंज आगे निकल के आ रही है 30,300 का लेवल, और ऊपर की तरफ देखे तो 30,800 का जो लेवल है या 950 का, इसके अबव निकलता है तो अच्छा खासा मोमेंटम। लेकिन यहाँ पे अगर 30,300 का लेवल को ब्रेक करता है तो पोजिशनली अपन सेलिंग के लिए जा सकते हैं, जो कि मंथली जो पुट है बैंक निफ्टी का उसमें ट्रेड कर सकते हैं, नियरेस्ट नियरेस्ट जो पुट है उसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी अपन एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट के लिए फिबोनाची लेवल्स मतलब फिबोनाची का जो इंडिकेटर है, जो ऑसिलेटर है, उसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिबोनाची लगा के दिखाता हूँ आपको कि किस तरह से यहाँ पे, तो यहाँ से जो रिट्रेसमेंट आया तो यहाँ से यहाँ तक देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हो 0.5% कहाँ तक आ जाए, 28,000। तो निफ्टी नीचे की तरफ, बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आ सकता है, तो 50% अगर आएगा तो 28,000 आएगा तो यहाँ पे एक सपोर्ट लेगा। और इस लेवल को सपोर्ट नहीं लेगा, यहाँ पे अगर नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो वहाँ पे देखने को मिल सकता है जो कि 26,400 या 26,000 के लेवल। लेकिन यहाँ पे जल्दी नहीं देखने को मिल सकता, क्योंकि मार्केट एक अभी जो ट्रेंडिंग मूव किया तो अभी साइडवेज थोड़ा हुआ है, अगर ब्रेकआउट देगा तो यहाँ पे कोई तो मोमेंटम जल्दी फास्ट नहीं देगा, अगर आता है तो 1-2 हज़ार पॉइंट का रैली ऐसा देखने को मिल सकता है। उसके बाद में कंसोलिडेट करेगा फिर जाएगा कंसोलिडेट करेगा, लेकिन 0.5 यहाँ जो यहाँ पे अगर रिट्रेस होता है, यहाँ पे सपोर्ट लेते हैं अच्छा खासा बाउंस बैक ऊपर की तरफ भी देखने को मिल सकता है। तो जो लेवल से लेवल के हिसाब से ट्रेड कीजिए। और जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे तो ये जो उसने गैप अप जो शो किया तो ये गैप फिल करने के लिए आएगा ही आएगा जरूर, और गैप कहाँ से उसने क्रिएट किया जो कि 25,000 के लेवल से। तो यहाँ पे जो गैप अप हुआ है, जहाँ से यहाँ देख सकते हैं आपकी FIs जो बाइंग कर रहे थे यहाँ से, तो जैसे कि दिवाली हुआ जो नवंबर मंथ का, जैसे कि 20-30 यहाँ से जो बाइंग आना शुरू हुआ है, तो उसके वजह से जो गैप अप हुआ है तो गैप फिल करने के लिए आ सकता है, उसकी वजह से अपन यहाँ पे रिट्रेसमेंट लगाया। और नीचे की तरफ देख सकते हैं ये भी रिट्रेस कहाँ से होता है, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है, तो ये आपने देखने को मिल सकता है। लेकिन 0.5 का जो लेवल है 20,000 उसके वहां पे सस्टेन नहीं कर देता है, वहां एक रेंज बनाता है, उस रेंज को भी ब्रेक कर देता है तो अच्छा खासा मोमेंटम नीचे की या ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। तो आने वाले कुछ दिनों में निफ्टी किस तरह से मोमेंटम कर सकता है, क्रैश हो सकता है, बहुत लोगों ने वीडियो बनाया कि क्रैश हो सकता है कि नहीं, हो सकता है, कुछ मालूम नहीं, क्योंकि मार्केट में न्यूट्रल रहना पड़ेगा। किस तरह से मार्केट रिएक्ट करता है देखना पड़ेगा, टेक्निकल के हिसाब से देखना पड़ेगा कहाँ पे सपोर्ट है कहाँ पे है। जैसे कि मैंने आपको बताया एक ट्रेंडिंग मार्केट है, अभी साइडवेज हो रहा है, जो रेंज है उस रेंज को ब्रेक करेगा एक अच्छा खासा सिग्नल मिलेगा बेरिश के लिए, तभी अपन सेल के लिए जा सकते हैं। अदरवाइज अगर वहाँ पे कोई सिग्नल नहीं मिलता, वहाँ पे कोई यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं मिलता, तो आप अपन ट्रेड नहीं करेंगे। लेकिन ये कि कौन से लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है, कहाँ से रिजेक्शन आ रहा है और कहाँ से बाइंग का प्रेशर देखने को मिल रहा है। चलिए आपको अच्छी तरह से पता चला होगा कि निफ्टी का एनालिसिस किस तरह से और बैंक निफ्टी का कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है आने वाले कुछ दिनों में। अगर प्रॉफिट बुकिंग आता है मार्केट में तो
किस लेवल तक आ सकता है, कहाँ तक आ सकता है, इस वीडियो में आपने देखा। तो चलिए, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके दोस्तों के साथ भी इस वीडियो शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी पता चले कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल किस तरह से आपने निकाले, किस तरह से इसका एनालिसिस किया, या अगले मतलब अगले कुछ दिन आने वाले उसमें क्या हो सकता है, इसका एनालिसिस भी पहले कर चुके हुए। और जैसे कि अगर आप प्रिपरेशन अगर फ्यूचर का या आगे का आपका सोचा हुआ है, स्टडी आपका सोचा है, तो आपको ट्रेडिंग के लिए कोई भी मतलब दिक्कत नहीं आएगी। किस तरह से वर्क करना है, अपने फेवर में मार्केट है तो वहाँ पे आप बहुत बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर आपके फेवर में मार्केट कम है तो कम क्वांटिटी से ट्रेड कीजिए, या अच्छा खासा जो रूल्स है और डिसिप्लिन के साथ वहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, जाके वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ पे मैं एनालिसिस या चार्ट में वहाँ पे पोस्ट कर देता हूँ। चलिए, थैंक यू।